वहीं हिमाचल प्रदेश का किन्नौर पारंपरिक पहाड़ी जैविक उत्पादों और स्थानीय सूखे मेवों के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। खासकर कि भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की पहचान इन उत्पादों के कारण ही रहती है, लेकिन समय के साथ इन उत्पादों का बाजार से लुप्त होना शुरू हो गया है। इसका प्रमुख कारण की अगर बात करें तो क्षेत्र के लोगों का सेब की नई किस्मों की बागवानी की ओर बढ़ता रुझान है। किन्नौर के लोगों और बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक उत्पादों और सूखे मेवे को तैयार करने में ज्यादा श्रम शक्ति और उत्पादन की लागत जो है वो ज्यादा आती है। वहीं सेब की नई किस्मों की बागवानी से उन्हें ज्यादा लाभ हो रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि हमारा एक जो पोषक अनाज संवर्धन योजना है, इसमें हमारा जो मिलेट्स है इनके ऊपर हम सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास कोता है, कांगनी है, तो किसानों को इसके तरफ हम ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं ताकि ये जो विलुप्त हो रहे हैं हमारे जो अनाज हो रहे हैं उनको दोबारा हम इसमें किसान भाई उगाए और इसको हम आगे आने के लिए आने वाले समय के लिए इसको प्रिजर्व कर सके। तो हमारा विभाग का यही प्रयास है कि ये हमारा धीरे धीरे काफी इसको बढ़ावा दे रहे हैं हम और सरकार की तरफ से इसको सहयोग भी दिया जा रहा है। फिलहाल मैं 3-4 साल से लवी लगा रहा हूँ, तो लवी में अभी तो कोई तेजी तो है नहीं। पिछले बार भी मंदा ही था, इस बार भी अभी तो फिलहाल मंदा ही है। क्या क्या माल लेके आए? माल तो हमारे पास न्योजा है, अखरोट है, गुच्छी है, अंजीर है, आड़ू है, पलम है, खुरमानी है, चुल्ली है, सातू है, राजमा है। इस तरह से हमारा ड्राई फ्रूट ये लोकल, हमारा लोकल है स्पेशल, ये बाहर का तो है नहीं, तो वैसे वैसे किन्नौर में बिकता भी सारा हमारा लोकल। वैसे जनरली जो खरीदार है वो पहले की अपेक्षा बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? ये तो बहुत कम हो रहे हैं जी, क्योंकि एक कारण तो ये है कि हमारे किन्नौर में सारे सेब के बगीचे तैयार होने के कारण लोगों का ये जो राजमा है इसका इसका पैदावार बहुत ही कम है और वहाँ वैसे बहुत महंगा पड़ रहा है। लोग यहाँ यकीन नहीं कर रहे हैं, वहाँ 380-400 तक बोल रहे हैं, तो यहाँ हम कोशिश तो करें 400 तक भेजे पर वहीं से महंगा पड़ रहा है, तो थोड़ा काम चलाना मुश्किल हो रहा है जी। सर तो इसमें जो है नई वैरायटीज आ रही हैं और उसका ये जो है मार्केट में अच्छा बिक रहा है फ्रूट, इसलिए जो लोग जो है चेंज हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। और नई वैरायटीज के जो सेब आ रहे हैं जैसे स्पर्ज वैरायटी के, वो 4 साल में जो है इसमें बीरिंग में जो है फ्रूट आया है, इसलिए लोग जो है इस और काफी मुड़ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं जो एग्रीकल्चर से। कितनी तेजी से बहुत, हाँ हर साल जो है हम लगभग जो है यहाँ पे इस ब्लॉक में जो है 10,000 से 15,000 प्लांट्स जो है दे रहे हैं इस में। तो इसी से पता लग रहा है कि लोग जो है चेंज कर रहे हैं।